इस वीडियो में हम लेमन राइस की एकदम आसान रेसिपी देखेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, थोड़ी सी राई और जीरा डाल दिया है। जीरा और राई को अच्छे से तड़क जाने देना है। फिर हम उसमें लाल मिर्च डालेंगे। अब मैंने थोड़ी सी चना दाल और उड़द दाल ले ली है, ये अब हम डाल देंगे। अब ये दाल पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने देना है। उसके बाद हम उसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। अब मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से हला लीजिए। वैसे तो ट्रेडिशनली इसमें काजू नहीं डलता है, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा अदरक, या तो आप बारीक कट करके डाल लीजिए या आप उसका पेस्ट डाल लीजिए। ट्रेडिशनली जैसी रेसिपी बनाई जाती है एग्जैक्टली वैसे ही बनाना जरूरी नहीं है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से उसे थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। मैं तो अक्सर मटर भी डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा हींग मैंने डाल दिया है। अगर आपको हींग का शार्प फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने उसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी में नहीं डाला जाता है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद तो आप मत डालिए। हल्के से प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाने के बाद थोड़ी सी शक्कर या मिश्री पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं, और फिर थोड़ा सा नमक या सेंधा नमक भी आप डाल दीजिए ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्टन हो प्याज का। राइस के कुछ और रेसिपीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर आप चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे नहीं डाला जाता है, लेकिन अगर आप डालते भी है तो भी काफी अच्छा टेस्ट आता है राइस को। अब आप कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस इसमें डाल सकते हैं, जो भी आप डेली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका बचा हुआ चावल हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्राई रहता है और खुला खुला बनता है लेमन राइस। 2-3 नींबू का रस मैंने निचोड़ के रखा है, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके हिसाब से, आपको जितना खट्टा पसंद है उस हिसाब से डाल लीजिए। और अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। और अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए और हमारा राइस लगभग तैयार है। आप इस राइस को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी टिफिन रेसिपी है और काफी रिफ्रेशिंग लगता है ये राइस खाने को। अब ढक्कन लगा के आप 2-3 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अब हमारा राइस तैयार है। आप इसे फ्राइड सेंगदाने या काजू से भी गार्निश कर सकते हैं, या हरे धनिया से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। भले ही ये राइस बनाने में काफी सिंपल है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय।